नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। तो बिहार और झारखंड में आपकी फिल्म दो दिन बाद रिलीज हो रही है, जरा बताइए फिल्म कितने स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, कितने सेंटर्स में, जरा टेक्निकल जानकारी। अभी जो सेंटर्स तो अभी ये प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि फिल्म रिलीज हो रही है, आज शाम तक सेंटर्स में क्लियर हो जाएंगे। फिल्म कमर्शियल है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ बिल्कुल नया लेकर आ रही हूँ, मैं बिल्कुल हट के कुछ कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से फिल्म कमर्शियल है, आप जाएंगे आपका पैसा वसूल फिल्म में। गाने बहुत अच्छे हैं, मेरा कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो मैं बहुत टाइम बाद एक डिफरेंट कैरेक्टर में ज़रूर नजर आऊँगी। भाभी वाली बनी हूँ तो आप समझ सकते हैं भाभी वाले का जो कैरेक्टर होगा वो कितना कमर्शियल कैरेक्टर होगा। और गुंजन में चाहूँगी आप अपने कैरेक्टर के बारे में बात। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और जैसा कि आपने पहला सवाल किया संजय रोहित राज जी को, डेफिनेटली हम दोनों हीरोइंस उनको मिस तो कर ही रहे हैं, इनफैक्ट पूरी टीम को मिस कर रहे हैं। लेकिन रानी जी यहाँ पे थी तो ऐसा हुआ कि यही कराया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जो मेरे किरदार की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत ही मुझे भी बहुत ही मज़ा आया ये फिल्म करके, बहुत ही अच्छा किरदार है। और जैसा रानी जी ने कहा कि बहुत डिफरेंट नहीं है लेकिन बहुत कमर्शियल है, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब लोगों को बहुत ही अच्छी लगी कि ना मैं जहाँ मैं आऊँगी फिल्म में वहाँ वहाँ लोग हंसेंगे, और जहाँ जहाँ गुंजन आएगी वहाँ पर लोग रोमांटिक होंगे। रोमांस क्योंकि इन्होंने रोमांस संभाला हुआ है, मैंने पूरी कॉमेडी संभाली हुई है। हीरो हमारे बीच बेचारा ऐसे। संजय के टाइप का सवाल मुझे एक याद आ गया, क्या हो अगर दोनों लड़कियां एक ही लड़के से प्यार कर बैठे? मैं सैक्रिफाइस कर जाऊं गुंजन के लिए। मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगी। शूटिंग बिहार में हुई है, बिहार के शूटिंग का प्लस में बिहार में गया, लोग बड़ा बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी हम इसकी शूटिंग बीटा में की, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब मैं उनके शेड्यूल में पहुंची थी, मेरा पैर फ्रैक्चर था और मैं व्हील चेयर में बची थी, और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं जाके क्या करने वाली हूँ। डायरेक्टर से मैंने कहा मेरा पैर फ्रैक्चर है, मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा हम करवा लेंगे, ठीक है। मैं पहुंची, और जब मैं सेट पे पहुंची तो नो डाउट पब्लिकली और यूनिट ने इतना सपोर्ट किया। मुझे याद है एक तो ढाबे वाला कैरेक्टर था, और ढाबे पर वो चोटी घुमाते हुए एंट्री लेना सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन इतना सपोर्ट था, पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया, रोहित जी ने बहुत सपोर्ट किया, राम जी ने बहुत सपोर्ट किया। और आप फिल्म जब देखेंगे तो उसमें मेरे फर्स्ट शेड्यूल में मेरा जितने सीन्स निकले कोई नहीं कहेगा कि मेरा पैर फ्रैक्चर है। उन्होंने इस तरह से शूट किया कि मुझे भी ट्रबल नहीं हुआ, और ये पब्लिक को भी मालूम नहीं पड़ा कि मेरा पैर सच में फ्रैक्चर है वो सब सिक्वेंस। तो बहुत बार आपके वर्ड्स आ रहे हैं ढाबे को लेकर, तो ढाबे में कितना कुछ खाने में इंटरेस्ट रखा रानी जी ने ये जानना चाहिए। मैं सच कहूँ मेरे ढाबे में खाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखा। अरे आपकी वहाँ की सरकारी बड़ी फेमस हो गई है, पूरा मतलब जितने लोग फेमस हो गया है।
क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।